पुलिस कप्तान शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए शहर कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा के द्वारा रात्रि चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिनमें इंदिरा गांधी चौक, एमजीएस मेला ग्राउंड, लाहर चुंगी, चौधरी मोड़, गोरी सरोवर, नयापुरा, कटिक खाना, शास्त्री चौक, परेड चौरा, हॉकर जोन, धनवंतरी कॉम्प्लेक्स, भीम नगर, आर नगर, अटे रोड, बेटी बचाओ चौरा आदि स्थानों पर चेकिंग अभियान चला गया, जहां शराब पीकर नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई, जिनमें से तीन लोगों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिनमें जीतू उर्फ जितेंद्र पुत्र बाबू सिंह राजावत, सलीम पुत्र बसीम खान निवासी नयापुरा, उमेश सिंह कुशवाहा, सत्यन सिंह कुशवाहा निवासी दुर्गा नगर के कब्जे से एक हीरो होंडा पैशन MP30MC3736 जब्त की गई तथा सलीम के एक प्लेटिना मोटरसाइकिल जब्त की गई एवं जीतू से एक पल्सर मोटरसाइकिल MP30MG7171 जब्त की गई। इस अभियान में कोतवाली थाना प्रभारी ने सभी से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में वाहन न चलाए, नहीं अन्यथा कोतवाली पुलिस आप पर कार्रवाई करने को तत्पर है। इस अभियान में कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा एवं अतुल भदौरिया की विशेष भूमिका रही।